Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 10th economics chapter 1 development. बेटा सबसे पहले मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूंगी ये इकोनॉमिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर आप उसको अपनी लाइफ में डेली रूटीन लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो तो आप उसके जो आप सीखते हो जो आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में उसको आप डेली लाइफ में अगर आप यूटिलाइज करोगे उसको करके देखोगे तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत ईजी लगेगी। तो अभी सबसे पहले हम डेवलपमेंट चैप्टर करने लगे हैं। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती क्या है? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें ग्रोथ जैसे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है प्रोग्रेस होती है और हमें कुछ पॉजिटिव चेंज दिखती है पॉजिटिविटी दिखती है मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें नजर आता है। अगर आप अपनी लाइफ में देखो अगर आप पढ़ रहे हो बच्चों जब आप पढ़ते हो अगर आप में कुछ 0.1% भी इम्प्रूवमेंट आते इट मीन्स यू आर डिवेलपिंग इन दैट सब्जेक्ट यू आर क्रिएटिंग ग्रोथ एंड यू आर हैविंग प्रोग्रेस इन दैट सब्जेक्ट। इसको अगर आप वाइडर स्कोप पे जाओ वाइडर लेवल पे जाओ तो वो डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन आती है। नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। एक कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस में अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो उसका मतलब कंट्री डेवलप करती है। इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस क्या होता है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वे टू लाइफ ये सब चीजें उसमें आ जाती है। अगर लोगों को मतलब हमारी विद इन द कंट्री हमारी कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर नहीं है और सारी अच्छी कंडीशंस हम लोगों को सोशल कंडीशंस प्रोवाइड करें इन दैट केस इफ देयर इज इम्प्रूवमेंट इन दिस इट मीन्स अ कंट्री इज डेवलपिंग। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन एनी कंट्री कैन बी डन बाय इम्प्रूविंग फैक्टर्स लाइक एजुकेशन हेल्थ वर्किंग कंडीशंस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड मार्केट कंडीशंस। बच्चे जैसे आपने 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा कि एजुकेशन और हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक इकॉनमी के लिए। अगर हम लोगों को अच्छे से एजुकेशन देंगे और उनकी अच्छी हेल्थ होगी उनको अच्छा हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे हेल्थ फैसिलिटीज देंगे उस केस में क्या होगा? पीपल विल फील गुड दे विल वर्क मोर उनका मोरेल बढ़ेगा वो काम ज़्यादा की उनकी करने की क्षमता बढ़ेगी। उसके कारण क्या है कि वो जितनी वो इनपुट देंगे उसके हिसाब से आउटपुट भी ज़्यादा अच्छी आएगी। हमें वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी देनी है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए और मार्केट की कंडीशंस भी अच्छी होंगी। अगर इन सारी चीज़ों में अगर कोई गवर्नमेंट स्टेप्स ले और इनको इम्प्रूव करे तो जो एक इकॉनमी है जो वो कंट्री है वो इन फ्यूचर ये बेटा 100% श्योर है कि कंट्री विल ग्रो। जैसे आपने 9th में पढ़ा था जो हम एजुकेशन है हम बच्चों को छोटे होते से प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स पर जब जो उसका फ्रूट कब मिलता है जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं अच्छे से एजुकेशन ले लेते हैं स्किल्स और नॉलेज वो एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद में जब वो काम करते हैं जब वो वर्क करते हैं इन दैट केस उनमें वो ज़्यादा फ्यूचर में वो ग्रो करते हैं उनकी जो बच्चे एट अ स्मॉल स्केल वो लोग यंगस्टर्स बन के वो ग्रो करते हैं। तो अगर हम एग्रीगेट ले तो हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें होगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे डेवलपमेंट होता क्या है? नाउ कम्स डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या होते हैं? बच्चे डेवलपमेंट देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप घर में 4 मेंबर्स हो या 6 मेंबर्स हो अगर योर पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स लिव अलोंग विद यू तो इन दैट केस इफ यू आर 6 पीपल इन अ फैमिली इन तो आप 6 के 6 लोगों के अलग अलग आपके प्रोमिसेस होंगे।
आपके ग्रैंड पेरेंट्स का गोल कुछ और होगा अचीव करने का, आपके पेरेंट्स का गोल कुछ और अचीव करने का होगा, आपका कुछ और होगा। हर एक इंसान का अपना नजरिया होता है और उसके अपने डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। सो डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी होगी। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे क्या है, एक डेली वेजर है, जो एक डेली वेजर है उसके लिए स्कूटर अफोर्ड करना, टू व्हीलर व्हीकल अफोर्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। अगर मान लो वो एक टू व्हीलर व्हीकल ले लेता है, इट मीन्स इट इज हिज ग्रोथ, उसकी ग्रोथ ही हुई है ना, तो उसने टू व्हीलर लिए। पर अगर हम दूसरी साइड जाए, एक रिच मैन है, अब वो स्कूटर लेता है, उसके लिए तो कोई ग्रोथ नहीं है बिकॉज ही हैज ऑलरेडी हैविंग अ कार, उसके पास तो ऑलरेडी ये चीजें हैं, उसके लिए तो ये कोई वो बड़ी आइटम नहीं है। सो अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट प्रोमिसेस जो है वो बंदे टू बंदे, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। इट मे नॉट बी सेम फॉर अ पुअर पर्सन, इट मे नॉट बी सेम फॉर अ रिच पर्सन, इट मे नॉट बी सेम फॉर अ गर्ल, इट मे नॉट सेम बी फॉर अ बॉय, सिमिलरली फॉर अ मैन, फॉर अ वुमन। जैसे आगे मैंने आपको दिया है कि गर्ल्स एक्सपेक्ट सेम फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। घर में दो बच्चे हैं, एक गर्ल है और एक बॉय है। मान लो अगर गर्ल कहती है जो कि जितनी अपॉर्चुनिटी और जितनी फ्रीडम बॉय को मिलती है, उसके भाई को मिलती है, उतनी उसको भी मिलनी चाहिए, उसको भी मिले। और साथ में वो कहती वो अपने घर में अपनी मम्मा का हाथ बढ़ाती है हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड वर्क करने में। बट अगर ये सेम काम बोला जाए उसके भाई को कि भैया तूने भी करना है ये काम, सो ही विल नॉट लाइक दिस। उसको अपने ये काम करना अच्छा नहीं लगेगा और उसको अपनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी में हिंड्रेंस लगेगी। सो जो एक बंदे, ये एक एग्जांपल है कि गर्ल और बॉयज में जैसे मैंने आपको बताया तो वो नहीं होता ना सेम। उसके लिए जो गर्ल के लिए गोल है वो बॉय के लिए सेम नहीं है, क्योंकि बॉय के पास ऑलरेडी वो चीजें हैं। गर्ल वॉन्ट्स कि मेरे को फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो लड़कों के पास ऑलरेडी है। ऐसे ही आगे आपको मैंने एग्जांपल दिए, पुअर मैन वांट्स 3 times ऑफ मील, शेल्टर एंड क्लोथिंग, बट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ रिच मैन आर टू क्रिएट मोर वेल्थ। अब जो पुअर मैन है वो बेटा, उसको तो यही होता है ना 3 times का खाना मिल जाए, अच्छा पेट भर के रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, कपड़ा साफ सुथरा धोया हुआ पहनने को मिल जाए। बट जो रिच मैन है उसकी ये थोड़ा ना होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये चीजें हैं। उसके लिए क्या होगी एक्सपेक्टेशन, बेसिकली यही होगी ना कि वो ज्यादा से ज्यादा और वेल्थ क्रिएट करे ताकि वो ही बिकम्स मोर रिच। सो इन दिस वे डेवलपमेंट गोल्स वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल। अभी मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दिए, ऐसे ही अगर आप अपने नियर अबाई में देखो, नेबरहुड में देखो, आपको और बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आई विल सजेस्ट यू बच्चे कि यू ट्राई टू इनकल्केट दीज थिंग्स इन योर लाइफ, अपनी लाइफ से जोड़ो, अपने आस पड़ोस में देखो और फिर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो नेक्स्ट कम्स नाउ द गोल्स ऑफ द पीपल। गोल्स ऑफ द पीपल में पहला गोल बेटा, एक मैंने दो कैटेगरीज बनाई है, कॉमन गोल्स एंड अदर गोल्स। कॉमन गोल ये है जो हर इंसान के लिए सेम है, वेदर ही इज रिच और पुअर, गर्ल और बॉय, मैन और वुमन, whosoever is or she is। उसके लिए एक गोल तो कॉमन होता है ना, इनकम जनरेट करना, वेल्थ जनरेट करना। तो ये दिस इज योर कॉमन गोल। नेक्स्ट गोल्स आर योर अदर गोल्स जो अब कॉमन नहीं है। दीज गोल्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट में ही हम क्या कहते हैं कि रिच एंड पुअर को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बट इन रियलिटी आप देखो रिच एंड पुअर को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता, गर्ल्स एंड बॉयज को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इस केस में जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, इन लोगों को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आप अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है। तो इस कारण लोग जो हैं वो चाहते हैं कि सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे लड़कों को ट्रीट करते हैं वैसे ही लड़कियों को भी करना चाहिए। जैसे रिच मैन को ट्रीट करते हैं वैसे ही पुअर मैन को भी ट्रीट करना चाहिए।
सेकेंड गोल कम्स फ्रीडम। फ्रीडम में क्या है कि एवरीबडी हैज अ फ्रीडम टू गो एट एनी टाइम राउंड द क्लॉक। इसकी मैं आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, गर्ल्स ने घर के बाहर नहीं जाना है रात को, दिन दिन जहां मर्जी घूम लो, रात को नहीं जाना, एज इट इज नॉट अ सेफ एनवायरमेंट फॉर द गर्ल्स। बट दिस शुड नॉट बी द सेम। बॉयज पूरी रात बाहर रहे तो नो प्रॉब्लम, बट गर्ल्स अगर रात को बाहर रह रही हैं तो दिक्कत होती है। ये इसलिए गर्ल्स चाहती हैं कि ये फ्रीडम हमें भी मिलनी चाहिए, हमारे लिए भी उतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि हम राउंड द क्लॉक जहां मर्जी घूमें। सो दिस कम्स अनदर गोल। नेक्स्ट गोल कम्स सिक्योरिटी। नेक्स्ट गोल कम्स सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है कि आप जैसे जॉब, देखो जॉब पे लगे हो, मान लो एक यंगस्टर है वो जॉब करने लगे, ही इज मैरिड, ही इज हैविंग किड्स एंड ही इज ग्रैंड एंड हिज पेरेंट्स लिव अलोंग विद हिम। तो और उसको जॉब मिली है आउट ऑफ टाउन, जहाँ पे उसको वो रह नहीं सकता है, मतलब उसको अलग रहना पड़ता है, अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके जा नहीं सकता, फैमिली उसकी अलग जगह रह रही है और वो अलग जगह रह रहा है। उस केस में वो यंगस्टर क्या चाहेगा कि जो मेरी फैमिली पीछे है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, उनको सिक्योरिटी मिले, उनको फ्रीडम मिले कि वो जब मर्जी जहाँ मर्जी जाना चाहें वो जा सकते हैं और उनकी सेफ्टी हो। उनको पैकेज बेशक कम मिले पर उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए। ऐसे देखो एक बंदा है, उसको मिल रही है जॉब, उसको हाई पैकेज पे मिल रही है और उसको कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिल रही उसकी फैमिली की पीछे से। सो कौन, जो दो बंदे ना ए और बी, तो कौन से में वो आप करोगे जिसमें आपके पीछे फैमिली को सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, वो करोगे, ऑप्ट करेगा बंदा, या जिसमें उसको नहीं मिल रही वो करेगा? ऑब्वियसली द पर्सन विल गो फॉर द बेटर ऑप्शन जिसमें उसको पे पैकेज बेशक कम मिल रहा है पर उसकी फैमिली को सिक्योरिटी तो मिल रही है ना, सेफ्टी तो मिल रही है। सो नेक्स्ट कम्स रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स में क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स में बेटा क्या आता है कि एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखो इंडिया में डाइवर्स कल्चर है, सारे कल्चर्स हैं, और किसी स्टेट में आप देख लो हर स्टेट के लोग आपको मिलेंगे। सो इट शुड नॉट बी लाइक अगर पंजाब में आप रहे हो सिर्फ पंजाबियों को रिस्पेक्ट मिलनी है, बाकी नहीं, बाकी स्टेट से जो बंदे आए हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। नो, दिस शुड नॉट बी डन। हर स्टेट में, जहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी बंदा है, जौन सी स्टेट का भी, बट ही शुड गेट द इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल स्टेटस फ्रॉम अदर्स। जैसे वो अपने घर में है, अपनी स्टेट में, ऐसे अगर वो कहीं और भी जाता है वहाँ पे भी उसको इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। इसकी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। नाउ अडेज देखो लेडीज आर डूइंग वर्क विद एट पार विद मैन, लेडीज और मैन इक्वल जॉब्स कर रहे हैं ना। आज के लेडीज भी पायलट हैं, जेंट्स तो पहले पायलट थे नहीं, थे ही। सो लेडीज जो काम बंदे कर रहे हैं वो वुमेन्स भी कर रही हैं जो मेन कर रहे हैं। अब जब वो काम सेम कर रही हैं मेंस के साथ, दे वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम मदर्स। ये नहीं है कि लेडीज अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो जेंट्स उनको डिग्रेड करें। नो, दे शुड हैव द प्रॉपर रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट एज मेन आर हैविंग। जो रिस्पेक्ट जेंट्स को मिल रही है वो लेडीज भी चाहती हैं। ऐसे ही जब लेडीज मैन दे आर डूइंग वर्क, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेडी ओनली टू लुक आफ्टर हर हाउस ऑल्सो, हर किड्स ऑल्सो, हर पेरेंट्स ऑल्सो एंड हर जॉब ऑल्सो। इन दैट केस जेंट्स शुड डू इक्वल वर्क विद हर। जब वो घर में है तो दे शुड हेल्प देयर वाइफ सो दैट शी कैन डू हर वर्क मोर एफिशिएंटली एंड मोर फास्टली। हर काम में उसकी हेल्प होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे देखने हैं, चाहे वो घर संभालना है, चाहे वो पेरेंट्स को देखना है। वो सिर्फ लेडी की ड्यूटी नहीं है। वो बेटे अगर ये ऐसा होता है तो इट मीन्स द मेल्स आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द फीमेल्स।
इन दिस केस दीज आर द अदर गोल्स जो मैंने आपको समझाए हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये कैसे होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो मूविंग फर्दर, नाउ कम्स नेशनल डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले बता दिया कि डेवलपमेंट क्या होती है, अभी तक हमने डेवलपमेंट ही डिस्कस किया क्या होती है। अब उसको अगर हम लार्ज स्केल पे जाए, नेशन की बात करें, तो नेशनल डेवलपमेंट होती है। नेशनल डेवलपमेंट इम्प्लाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अब होलिस्टिक क्या होता है? होलिस्टिक मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। हर तरफ से, हर कॉर्नर से नेशन की डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो मैंने आपको गोल्स बताए हैं वो सब में इम्प्रूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली नेशन विल ग्रो, नेशन विल डेवलप। प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, जो हमने और चीज़ें डिस्कस करी थी, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली नेशन विल ग्रो। नेशनल डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज राउंड एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड फेसेट्स ऑफ नेशंस विद पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक एंड मटेरियल। हर चीज से, हर साइड से हम देखिए, पॉलिटिकली भी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, सोशली भी स्ट्रांग होनी चाहिए, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होनी चाहिए, कल्चरल ट्रेडिशन सब कुछ होने चाहिए, साइंटिफिकली भी स्ट्रांग हो और मटेरियली भी स्ट्रांग हो। इस केस में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नाउ कम्स इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स मतलब किन किन चीजों से हमें पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही है। ये बेटा कंट्री टू कंट्री भी देखते हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं कंट्री टू कंट्री भी, इकोनॉमिकली भी है, और ये स्टेट टू स्टेट विद इन द कंट्री भी यही आएंगे सारे के सारे जो आपके इंडिकेटर्स आपने देखने हैं। पहला वो कह रहा है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर हमें हमारी इंडिकेटर देती है कि एक इंसान के पास ईयरली, मतलब वैसे नॉर्मली ईयरली होता है, कि उसके पास उतनी इनकम वो कितनी जनरेट कर रहा है, जितनी पर कैपिटा ऑल ओवर पॉपुलेशन से डिवाइड होती है हमारी इनकम, तो ये एवरेज निकालते हैं हम, जो हमारी पर कैपिटा इनकम आएगी वो हमारी एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। नेक्स्ट कम्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जिसको हम बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, होनी चाहिए। ये बेटा आपने नाइन्थ में इकोनॉमिक्स में या चैप्टर में पढ़ा होगा जिसमें आपको बताया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है। एम्प्लॉयमेंट में हम वो लोग लेते हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 to 59 years एंड द पीपल आर विलिंग टू वर्क, दे आर कैपेबल टू डू वर्क। ये नहीं है कि लोग जिसकी इच्छा ही ना हो उसको नौकरी नहीं मिली हम कहें जी ये तो अनएम्प्लॉयड है। नो, दैट पर्सन शुड बी विलिंग टू वर्क एंड ही शुड बी इन द कैपेसिटी टू डू द वर्क। उसमें उतनी क्षमता भी होनी चाहिए वो काम कर सके। अगर मान लो वो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली फिट नहीं है, वो बेड रिडन है, तो वो जॉब कैसे करेगा? नो, सो ही शुड बी मेडिकली फिट ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स 100% लिटरेसी रेट। ये मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हमारी एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे अपनी इकोनॉमी में, वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड हाई वेज रेट। अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एजुकेशन प्रोवाइड की होगी, स्किल्स एंड नॉलेज होंगी एम्प्लॉयज के पास, तो ऑब्वियसली उनको हाई वेज रेट भी दिया जाएगा। हाई वेज रेट जब होगा तो इट मीन्स इकोनॉमी इज डेवलपिंग। नेक्स्ट कम्स इनकम डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल और रीजन्स ऑफ द कंट्री आर मिनिमम। बेटा इसमें हम वो चीज देखते हैं कि जो देखो रिच एंड पुअर का गैप है वो कम से कम होना चाहिए विद इन एक, मतलब डिफरेंट सेक्शंस में, एक रीजन में कंट्री के या ऑल ओवर कंट्री, वो कम से कम होना चाहिए लोगों में। ये नहीं क्या मतलब गैप ही बहुत ज्यादा हो कि अमीर जो है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। सो इन दैट डिस्पैरिटी शुड बी लेस। जितनी वो डिस्पैरिटी कम होगी उतना मतलब, उसका मतलब उतनी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। लो बर्थ रेट, अगर हमारी पॉपुलेशन बर्थ रेट ही कम होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी।
बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया। हाई डिग्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा अच्छा होगा, मीन्स रोड्स बनी हुई हैं, डैम्स बने हुए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर प्रोवाइड हो रही है, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड हो रही हैं, तो उस केस में हमारी जो इकोनॉमी है ज़्यादा ग्रो करेगी। नाउ वी विल डिस्कस पर कैपिटा इनकम इन डिटेल, कि पर कैपिटा जैसे मैंने आपको बताया रेफर्स टू एन एवरेज इनकम अर्न्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री। एक इंसान कितनी एवरेज इनकम अर्न कर रहा है कंट्री का, वो उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारा, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जहाँ के भी हम निकाल रहे हैं ना एक इकोनॉमी की, कंट्री की, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, पहले नेशनल इनकम लेते हैं पूरी कंट्री की, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री ओनली। तो जो आपके पास फिगर आएगी दैट कम्स आउट टू बी पर कैपिटा इनकम। नाउ कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज यूजिंग वर्ल्ड बैंक। ये मैंने वर्ल्ड बैंक से बनाया बेटा, कि कैटेगरी ऑफ कंट्रीज और इनकम, कि लो मिडल इनकम कंट्रीज कौन सी है, अपर मिडल इनकम कंट्रीज कौन सी है और हाई इनकम कंट्रीज कौन सी है। तो पहले हम बात करते हैं लो मिडल इनकम कंट्रीज की। इसमें मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिसकी पर कैपिटा इनकम जो होगी वो $1,026 से $3,995 पर ईयर पर एनम होगी, वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज होंगी जिनकी पर कैपिटा इनकम एनुअली होगी $3,996 से लेके $12,375 तक। और जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उस केस में आपकी पर कैपिटा इनकम एनुअली होगी $12,376 एंड अबव, इतनी और उससे ज़्यादा दो होगी, ये हमारी हाई इनकम कंट्रीज होंगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि उसने ये क्राइटेरिया रखा है कि कौन सी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है, कौन सी अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है और कौन सी हमारी हाई इनकम कंट्रीज है। नाउ नेक्स्ट कम्स पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स इन द ईयर 2018-19। बेटा हमने, मैंने यहाँ पे आपको जो एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने आपको सिलेक्टेड स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम बताई है इन द ईयर 2018-19 के हिसाब से। ये जो आपकी जो मैंने इसका सोर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से लिया है बेटा, ये आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलती, ये मैंने इधर उधर से ढूंढ ढांड के बनाई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि देखो ये टेबल को अगर आप देखोगे, स्टेट्स देखो, गोवा की पर कैपिटा इनकम 467,998 है पर ईयर है बेटा। ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था रुपीस में है और पर ईयर है 467,998। देन कम्स दिल्ली, उसकी आती है 65,529 रुपीज़ पर ईयर। देन कम्स बिहार, उसकी आती है 43,822 रुपीज़ पर ईयर पर कैपिटा इनकम पर ईयर। देन कम्स वेस्ट बंगाल, उसकी आती है 1,09,491 रुपीज़ पर ईयर। देन कम्स उत्तर प्रदेश, उसकी आती है 461,351 रुपीज़ पर ईयर पर एनम। बेटा अगर आप इस टेबल को केयरफुली देखो, इस टेबल से आपको ये पता चलेगा सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस स्टेट कौन सी है, वो हमारी गोवा है। इन द ईयर 2018-19 से ईयर में सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस स्टेट हमारी गोवा थी, जिसके बीच में हमारा जो पर कैपिटा इनकम है देखो बेटा वो सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर भी आएगी हमारी यूपी, जिसमें सेकंड इसके बाद में गोवा के बाद में सेकंड नंबर पे ये आती है। थर्ड नंबर कम्स आउट टू बी दिल्ली, फोर्थ नंबर इज वेस्ट बंगाल एंड लास्ट नंबर इज बिहार। मींस इन द ईयर 2018-19
सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कौन से स्टेट की थी? गोवा की थी। और सबसे कम किस स्टेट की थी? 43,822 रुपीज, बिहार की। दिस टेबल क्लियरली शोज दैट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, गोवा के लोगों का स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा हाई होगा क्योंकि पर कैपिटा इनकम उस वहाँ की ज़्यादा थी, और बिहार का कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि वहाँ की इनकम पर कैपिटा इनकम हमारी कम है। सो दिस पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर क्लियरली शोज हाउ एन स्टेट ग्रोज और डेवलप्स। अगर जिस स्टेट की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा और वहाँ की जो उस स्टेट का जो लोग हैं वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं एज कंपेयर टू द स्टेट हैविंग लो पर कैपिटा इनकम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू।